नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं संदीप ग्रोवर लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर तत्काल पाबंदी लगा दी है। हालांकि बैंक अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड धारकों सहित अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकेगा। केंद्रीय बैंक ने नियमों की अनदेखी की वजह से यह कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई 2022 और 2023 के आईटी सिस्टम में जांच के बाद की है। जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही पॉपुलर स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम का सरकार विस्तार कर सकती है। सरकार इस मुद्दे को वित्त वर्ष 2025 के बजट में शामिल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत आयु सीमा को हटाकर 70 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को इसमें शामिल कर सकती है। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर सालाना 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रेलवे के जनरल डिब्बों में यात्रा करने वालों को सस्ते में खाना उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे ने करीब 100 रेलवे स्टेशनों पर करीब 150 काउंटर खोले हैं, जिनके जरिए यात्रियों को 20 रुपए में पूरी सब्जी और 50 रुपए में किफायती भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है। ये काउंटर ऐसी जगहों पर खोले गए हैं जहां पर कम ठहराव समय में भी यात्री आसानी से भोजन खरीद सकते हैं। जीडीपी की तुलना में भारतीय परिवारों पर कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक परिवारों के कर्ज को लेकर आने वाले दिसंबर तिमाही के आंकड़ों में जीडीपी की तुलना में कर्ज 39.1% पर पहुंच सकता है, जो नई रिकॉर्ड ऊंचाई होगी। इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में यह आंकड़ा 38.6% पहुंचा था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इधर क्रेडिट ब्यूरो CRIF हाईमार्क की रिपोर्ट कहती है कि कर्ज लेने के मामले में गैर मेट्रो शहर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज लेने के मामले में देश के टॉप 10 शहरों में बाराबंकी और कानपुर भी शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद देश में मोबाइल टैरिफ महंगा होने की आशंका गहरा गई है। हाल में आए टेलीकॉम कंपनियों के नतीजों में कंपनी की प्रति यूजर औसत कमाई यानी आरपू फ्लैट रही है। कंपनियां 4G की दर पर 5G सेवा दे रही है। ऐसे में संभावना है कि कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने के लिए टेलीकॉम दरों को बढ़ा सकती है। उधर FPO के बाद टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया पर भी कमाई को बढ़ाने का दबाव है। ऐसे में उसकी तरफ से भी टेलीकॉम दरों में बढ़ोतरी की संभावना है। बिक्री में गिरावट और ईवी निर्माताओं के बीच कीमतों को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा के दबाव के चलते टेस्ला बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों को नौकरी से हटा रही है। कंपनी ने टेक्सास और कैलिफोर्निया में 6,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। पिछले हफ्ते टेस्ला ने अपने ग्लोबल कर्मचारियों की संख्या में 10% से ज्यादा की कटौती का ऐलान किया है। कंपनी छंटनी के तहत बफेलो न्यूयॉर्क परिसर में 285 कर्मचारियों को हटाएगी। कंपनी की ओर से छंटनी को लेकर जारी नोटिस के मुताबिक 14 जून से कैलिफोर्निया में 3,332 नौकरियों में कटौती की जाएगी। वहीं टेक्सास में 2,688 पदों को खत्म किया जाएगा। अगली खबर भी छटनी से ही जुड़ी हुई है। गूगल की तरफ से इसराइल को टेक्नोलॉजी देने का विरोध करने पर कंपनी ने 20 और कर्मचारियों को निकाल दिया है। कर्मचारियों के समूह ने कहा कि इस मामले में गूगल अब तक 50 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल चुकी है। इसराइली सरकार को क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज देने के उद्देश्य से गूगल और अमेजन के लिए प्रोजेक्ट निम्बस परियोजना पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। गाजा में जारी युद्ध के बीच गूगल के न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में स्थित ऑफिसेस पर कर्मचारियों ने पिछले हफ्ते धरना प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद कंपनी ने पुलिस को भी बुलाया था, जिसने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था। भारतीय बाजार में बिक रही कई कारों के क्रैश सेफ्टी टेस्ट के नतीजे सामने आए हैं। क्रैश टेस्ट कराने वाली ग्लोबल संस्था ग्लोबल NCAP ने महिंद्रा बोलेरो न्यू, होंडा अमेज और किया कैरेंस पर टेस्ट किया है। इस टेस्ट में महिंद्रा बोलेरो न्यू को सिर्फ 1 रेटिंग मिली है। होंडा अमेज को भी महज 2 रेटिंग मिली है। किया कैरेंस को पहले 0 रेटिंग थी, लेकिन बाद में कंपनी ने अपनी सेफ्टी फीचर्स में सुधार किया और अब इसे 3 रेटिंग मिली है। देश में हाइब्रिड गाड़ियों की कीमत में जल्द कमी आने की उम्मीद नहीं है। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स कटौती को लेकर राय देने के लिए सरकार की तरफ से गठित पैनल की अभी तक एक बार भी बैठक नहीं हुई है। माना जा रहा है कि इन गाड़ियों पर टैक्स कटौती को लेकर ऑटो इंडस्ट्री की एक राय नहीं है। ऐसे में पैनल की बैठक नहीं हो पा रही है, जिस वजह से लंबे समय तक हाइब्रिड गाड़ियों के महंगे रहने की आशंका है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने घोषणा की है कि वो 2025 की शुरुआत से सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उत्पादन शुरू कर देगी। कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने हाल में कंपनी के निवेशकों को ये जानकारी दी है। इस खबर के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में टेस्ला के शेयर में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग की सुविधा देने वाली कंपनी रैपिडो ने अपनी सवारी जिम्मेदारी की पहल के तहत कर्नाटक में मतदान के दिन दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मुफ्त बाइक, टैक्सी, ऑटो और कैब मुहैया कराने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार बेंगलुरु, मैसूर और मंगलुरु में मतदाता वोट नाउ कोड का इस्तेमाल करके 26 अप्रैल को मतदान केंद्रों तक मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। ग्रो म्यूचुअल फंड ने कहा है कि उसे एनएफओ के तहत निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड शुरू करने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि यह देश का पहला नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड होगा। ये एनएफओ मई के पहले हफ्ते में खुलने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब आप मनीलाइन की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप सीधे पूछ सकते हैं अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी, कभी भी, सिर्फ मनीलाइन पर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय केड़िया। अगर आपको कमोडिटी मार्केट में निवेश करना है या कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी, कहीं भी। आपको मिलेंगे आपके कमोडिटी के सभी जवाब कहाँ? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में मनी नाइन के ऐप पर। डाउनलोड करें ऐप नाउ। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.moneynine.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी नाइन ऐप को भी डाउनलोड कर लें। तो बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार।